हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरूके के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के क्वालिफायर 1 T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 15 मार्च को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का, टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली दोनों टीम का 5 मैच में क्या परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो वहीं पहली टीम लाहौर कलंदर्स की बात करें तो जहाँ 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही, तो वहीं 2 मैच हार के आ रही है। वही दूसरी टीम अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही है, 2 मैच जीत के आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग, टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे लाहौर कलंदर्स 1 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहाँ पे लाहौर कलंदर्स 6 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं मुल्तान सुल्तान 4 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ भी लाहौर कलंदर 2 मैच से आगे चल रही है। ऊपर तक फ्रेंड ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं, लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे लाहौर कलंदर्स का 70% देखने को मिल रहा है, तो ही मुल्तान सुल्तान का 60% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो लाहौर कलंदर का 176 है, वहीं मुल्तान सुल्तान का 185 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो लाहौर कलंदर का 241 है, तो ये मुल्तान सुल्तान का 262 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो लाहौर कलंदर्स का 110 है, तो ये मुल्तान सुल्तान का 101 है। ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे लगभग दोनों टीमों का परफॉर्मेंस इक्वल दिखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज का मैच वेदर कैसी रहेगी, तो हैजी सनशाइन रहेगी, 26.5 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकती है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो 45% रहेंगे, वहीं 0% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है, तो इस पिच का फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पिच पे फर्स्ट बैटिंग में 179 रन लगने की संभावना है। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में 148 रन लग सकती है। इस पिच पे अभी तक टोटल 25 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी जबरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो यहाँ पे जो भी टीम अगर टॉस जीत कर बैटिंग करती है तो मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि डिफेंड में काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं इस पिच पे। अगर वहीं चेसिंग करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस पे चेस भी हो सकती है टीम, बट जो भी टीम अगर अपोजिट टीम अगर स्ट्रांग होती है तो वो मैच इजीली वे में इस पिच पे चेस कर सकती है। तो काफ़ी अच्छी मैच हो रहे हैं इस पिच पे। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम लाहौर कलंदर्स की बात करें तो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल रहा है। तब से भी लाहौर कलंदर का बॉलिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे नंबर 1 पर जाके स्टेबल है। वहीं दूसरी टीम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो नो डाउट ये भी टीम काफ़ी ज़बरदस्त है। कुछ स्टार्टिंग का मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला, बट बीच जैसे जैसे मैच होते गए वैसे वैसे ये फॉर्म में पूरी तरह आ गई। तो दोनों के बीच में क्वालिफायर मैच होगा, जो भी टीम अगर मैच जीतती है वो क्वालिफाई कर जाएगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त होगा दोनों के बीच में, आप लोग जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम लाहौर कलंदर्स के की प्लेयर की बात करें तो फ़खर जवान, डेविड वाइज, सैम बिलिंग्स, राशिद खान। वहीं दूसरी टीम मुल्तान सुल्तान के की प्लेयर की बात करें तो मोहम्मद रिजवान, खुशदिल शाह, अनवर अली, टीम डेविड। ये रहे दो टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब चलते हैं विनर की ओर, ज्यादा देर ना करते हुए। तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए लाहौर कलंदर्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है और मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।